हाय गाइस, आज आप लोग को एक वीडियो में शेयर करता हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और लाइक कमेंट शेयर करना। और हमारा ये चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो वीडियो जो आप लोग को दिखाएगा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखना और पूरा एंड तक देखना, तो आप लोग को पता चलेगा। और आप लोग भी ऐसा काम कर रहा है तो आप लोग भी समझ में आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। और ये वीक में मैं 3 दिन टारगेट नहीं हुआ, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 3 दिन में टारगेट नहीं हुआ, 4 दिन काम किया है। तो 4 दिन का अर्निंग आप लोग को दिखाएगा, पूरा एंड तक देखना। और कल मेरे को 178 का एक जीनी ऑर्डर आया, उसका बारे में मैं आज बात करेंगे। तो आप लोग की वीडियो पूरा एंड तक देखना, मैं आप लोग को स्क्रीन का ऊपर भी दिखाएगा, जो बोलेगा वो स्क्रीन का ऊपर दिखाएगा, आप लोग देखना। और 178 का जिधर ड्रॉप किया है वहाँ से मेरे को फिर रिटर्न ऑर्डर मिला है, लेकिन जाने के लिए मेरे को 178 दिया है, आने के लिए मेरे को 98 दिया है। तो किस लिए इतना कम दिया है आप लोग को बताएगा। आप लोग को अगर ऐसा जीनी ऑर्डर लेके जाएगा तो आने के लिए सेम कम पैसा मिलेगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को स्क्रीन का ऊपर दिखाता हूँ, तो आप लोग स्क्रीन का ऊपर देखना। 178 का जो ऑर्डर आया मेरे को, उसमें मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न बोनस मेरे को 70 रुपीज़ दिया है, 69 रुपीज़ दिया है, और वेटिंग टाइम के लिए 5 रुपीज़ दिया है, और लास्ट माइल के लिए मेरे को दिया है 95, और फर्स्ट माइल के लिए दिया है 3 रुपया, और कस्टमर टच पॉइंट दिया है ओनली 6। टोटल मिला के 178 हुआ है, लेकिन स्क्रीन का ऊपर देखना, सेम एरिया में, सेम ये में आया है, तो मेरे को उसमें स्क्रीन का ऊपर देखना ओनली 98 रुपीज़ दिया है। तो आप लोग ये देखना, कस्टमर टच पॉइंट ओनली 6 रुपया, और लास्ट माइल 87, और वेटिंग टाइम दिया है 5 रुपीज। तो उसमें मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, रिटर्न आने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का पैसा नहीं देता है। आप लोग कभी भी अगर ऑर्डर मिलेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस का पैसा नहीं देता है, जाने के लिए देता है, आने के लिए नहीं देता है। अगर रिटर्न ऑर्डर लेके आ रहा है तो नहीं मिलेगा, और अगर रिटर्न ऑर्डर लेके नहीं आ रहा है, खाली मार के आ रहा है, तो 70 रुपीज़ में वापस आना, जितना तक गया इतना तक वापस 70 रुपीज़ में आना। तो वीडियो वही है, आप लोग को बता दिया, स्क्रीन का ऊपर भी आप लोग देख सकता है, मैं दिखाएगा। और अर्निंग में आप लोग को दिखाएगा संडे का जो अर्निंग है, संडे से लेके मैं 3 दिन छुट्टी किया है, 4 दिन काम किया है, 4 दिन में कितना अर्निंग हुआ है आप लोग देख सकता है। और 3 दिन में 1 दिन तो काम किया ही नहीं है, 25 रुपीज़ एडजस्टमेंट आया है, और 2 दिन 300-300 का काम किया है, आप लोग देख सकता है। और आप लोग पूरा एंड तक देखना, तो आप लोग को सभी पता चल जाएगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकता है, मैं स्विगी स्क्रीन का ऊपर आया है 7,413 रुपीज़ लास्ट वीक। ओके, तो आप लोग देख सकता है, मैं पूरा दिखाएगा। ओके, तो इसमें जाके आप अर्निंग चेक कर सकता है, तो इसमें जाना, तो आप लोग को दिखा रहा हूँ, 20 से 26 जीरो है, तो आप लोग देख सकता है। पहले ही संडे का दिखाएगा, संडे 2,725 रुपीज़ A to Z दिखाएगा, आप लोग देख देखते रहना। ओके, तो मेरे को फुल टाइम वीकली इंसेंटिव 4.75 राइटिंग 1,000 रुपीज़ इंसेंटिव दिया है, और पेट्रोल इंसेंटिव ओनली 137 दिया है,
बोनस और डेली इंसेंटिव मेरे को दिया है 285 और डिनर पिक के लिए डीपी के लिए इंसेंटिव दिया है 100 रुपीस। तो पूरा मिला के हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं पूरा मिला के हुआ है 2725 रुपीस। ओके, नेक्स्ट जो है आप लोग देख सकता है सैटरडे 4481 हुआ है, आप लोग देख सकता है, और फ्राइडे आप लोग देख सकते हैं 348 हुआ है। तो बाकी वेडनेसडे मेरे को छुट्टी है, मंडे 1370 रुपीस, ट्यूसडे 1410 रुपीस, और थर्सडे आप लोग देख सकता है 1054 रुपीस, और वेडनेसडे छुट्टी है, फ्राइडे 300 हुआ है, सैटरडे इतना हुआ है, आप लोग पूरा देखना। ओके, और ये चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स।